नमस्कार, मेरा नाम सुनील पंडित है और हम हर रोज़ इस चैनल पर मेवाड़ियों की बात करते हैं। मेवाड़ी खान पान, मेवाड़ी लोकगीत, मेवाड़ी संस्कृति के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारे मेवाड़ी मेहमान हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल की तराई से आसपास जितने भी सारे लोग हैं जो निवास करते हैं, वो अमूमन सबसे बड़ा उनके क्षेत्र का सबसे बड़ा लोक पर्व मनाते हैं, षष्ठी पर्व। छठ मैया का पूजन कहते हैं और छठ मैया का पूजन उनके क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो अभी हम जिस जगह खड़े हैं वो देवाली छोर है, फतेह सागर का किनारा है और मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं छठी मैया का पूजन चल रहा है। और हम आज जो स्टोरी करने जा रहे हैं वो हम ये जानना चाहते हैं कि पूरी षष्ठी पूजन का क्या महत्व है, क्या उसकी मान्यता है और ये प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ। पहले मैं छोटी सी जानकारी आपको ये बता दूं कि इस छठ मैया के पूजन में अमूमन तीन जानकारी हमें मिलती है जो हम षष्ठी पूजन जब करते हैं तो इसमें तीन बातों का जिक्र होता है। सबसे पहले जो जिक्र होता है षष्ठी मैया यानी छठ माता और जल और सूर्य, इन तीनों का हमें संगम मिलता है। हम शास्त्रों में जाते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो षष्ठी पूजन है वो सर्वप्रथम भगवान श्री राम ने किया था। इस वजह से किया था कि वो सूर्यवंशी राजा थे और वो जब अयोध्या लौटे थे तो सरयू नदी के किनारे माता सीता के साथ में उन्होंने पहली बार षष्ठी पूजन किया था। तो ये तो है कि उन्होंने षष्ठी पूजन किया और जल को माँ मान के उन्होंने पूजन किया। अब हमारी बात ये आती है कि आखिर में सूर्य का जिक्र यहाँ क्यों आता है। अमूमन सूर्य ऐसे देवता हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देते हैं लेकिन उनके देवत्व और उनके आशीर्वाद का हमें किसी तर्क और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हम जब चाहें जब हमें सूर्य को हम देख सकते हैं। सूर्य इतने ही महत्व हैं कि हमारे जीवन में जितनी सौंदर्यता है, जीवन है या हम कह सकते हैं अपार खुशहाली है, वो सूर्य की वजह से ही है। और इसी खुशहाली को कायम करते हुए कृषक समाज, दरिद्र खेती किसान करने वाले जो लोग हैं उन्होंने सर्वप्रथम इस षष्ठी पूजन की शुरुआत की थी। बहुत सारी कहानियां हैं, हम उसको लगातार आपको बताएंगे, छोटे छोटे कहानियां दोहों के साथ में आपको जोड़ते रहेंगे और आप मेवाड़ियों को, हाँ यहाँ के उदयपुर के वासियों को हम ये बताएंगे कि ये षष्ठी पूजन आखिर होता कैसे है, इसमें क्या होता है और ये षष्ठी पूजन हमारे मेवाड़ के किन किन त्योहारों से मिलता जुलता है। तो अभी हमारे साथ में जो यहाँ के छठ पूजा करने के लिए आए हैं वो जुड़े हुए हैं। सर आपका नाम बताएं। मैं ठाकुर सिंह, छठ पूजा संयुक्त समारोह समिति के सचिव हैं और हम पिछले 20 साल से उदयपुर में रह रहे हैं और हमसे भी पहले लोग यहाँ उदयपुर में रह रहे थे तो वो लोग जो बिहार से उत्तर पूर्व भारत से हैं तो वो सभी लोग छठ फतेह सागर घाट पे आकर के करते हैं। तो हर एक साल हम लोग बड़ी उल्लास से यहाँ पर करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये घाट जो है सो हम लोगों ने बनवाया है। एक छठ का जो महत्व है हम लोगों का यह बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग ये 36 घंटे का निर्जला व्रत होती है, अन्न जल कुछ भी नहीं लेते हैं और 36 घंटा जो है सो बिल्कुल निर्जला होकर के यह व्रत को हमारी माँ हो गए, बहनें हो गए, हमारे भाई बंधु, इसमें लेडीज और जेंट्स दोनों रखते हैं इस व्रत को। तो इसमें जो शुरुआत होती है इस व्रत का नहाए खाए से शुरुआत होती है। अच्छा। फर्स्ट दिन जो होती है हमारे चार दिन का पर्व होता है और हमने जो पहला सबसे पहला शुरुआत होती है वो नहाए खाए से शुरू होती है। तो नहाए खाए के दिन जो फर्स्ट दिन होता है, नहाए खाए का मतलब ये होता है कि हमारे घर के अंदर साफ सुथरा तरीके से सबसे पहले तो बर्तन वगैरह जो भी है वो तो साफ होते ही है और नए बर्तन में लौकी के सब्जी और चने की दाल और बिना लहसुन प्याज की खाना पकते हैं और वह भोजन जो है सो हम सभी लोग एक साथ बैठ करके और लेते हैं। फर्स्ट दिन तो वो होते हैं। उसके बाद दूसरे दिन हम लोग उस खरना के नाम से मनाए जाते हैं। उसे खरना व्रत वो होती है जो कि हमारी माँ बहनें जो भी करते हैं भाई वह पूरा दिन उपवास रखते हैं, वो कुछ भी नहीं लेते हैं, यहाँ तक कि पानी भी नहीं लेते हैं। और शाम के टाइम जब सूर्य डूब जाते हैं उस समय जो है सो वो थाली में जो भी पान प्रसाद है वो सब लेकर के और चावल, कच्चा चावल और गुड़, इनके रसिया बनते हैं और रोटी बनते हैं। तो उसके साथ क्या है
उसको बोलते हैं गुड़ का खीर, समझ गए? यहाँ तो खीर बोलते हैं, हम लोग रसिया बोलते हैं उनको। हाँ, दूध की बनी हुई है? नहीं, उसमें गुड़ और दूध और चावल ये डालते हैं, और उसके बाद ये केले के पत्ते में उसे सजा करके, और पहले तो भगवान को अर्पण करते हैं फल फ्रूट वगैरह रख करके, उसके बाद वही प्रसाद जो है सो सब लोग जितने घर में परिवार होते हैं, अड़ोस पड़ोस में जो होते हैं, वह उनको लेते हैं। उसके बाद जो भी व्रतधारी होती है वह उस समय के बाद कुछ भी नहीं खाते हैं। वह आज फर्स्ट पहली अर्घ हुई तो आज शाम के डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे, उससे पहले आकर के वह जल में खड़ी हो जाती है, और जल में घंटा दो घंटा, आप देख रहे हैं कि दो घंटे से ये पानी में खड़े हैं अभी रेडी, या मतलब सूर्य के अस्तांचल गामी होने का इंतजार करें, इंतजार करते हैं। जब सूर्य डूबने लगेंगे तब हम उन्हें अर्घ देंगे, और रात भर वापस कुछ भी जो है सो हम लोग कीर्तन भजन घर में गीत होती है, छठ मैया की जो गीत होती है वह गीत भजन यह सब हम लोग घर पे करते हैं, और वापस सुबह जो है सो सुबह 3:30-4 बजे तक पानी में आ जाते हैं हम लोग। घाट पे आकर के वो सूप, ये आप देख रहे हैं इधर, ये देख रहे हैं सूप हो गए, इसके अंदर टोकरी हो गए, इसमें नारियल है, केला है आपके, वो अच्छा सूप जो है ना। हाँ, वो नारियल के पत्तों का बनता है, बांस का बनता है? बांस के बनते हैं, यह सूप जो बनते हैं यह बांस के बनते हैं, जो आप हरे बांस देख रहे हैं ना। अभी मैं उस तरफ जो देख रहा हूँ वो पीतल का है। हाँ बिल्कुल, पीतल के भी होते हैं और बांस के भी सूप होते हैं। हाँ, इसमें दोनों सूप चलते हैं, या तो पीतल के चल जाते हैं या तो फिर बांस के चलते हैं। तो इनमें जो है सो सारी फ्रूट वगैरह दीपक वगैरह जला करके और वापस सुबह जो है सो अर्पण करते हैं। अब ठेकुआ रही, ठेकुआ एक ऐसा चीज़ है जो प्रसाद है, ठेकुआ अनिवार्य होता है। हाँ, ये ठेकुआ जो बनते हैं आम के लकड़ी से, और चावल के आटा, और उसमें गेहूं के भी आटा रहते हैं, और गुड़ डाल करके, और इसको घी में पकाते हैं, और वह जो है सो सूर्य भगवान का जो है सो मेन जो प्रसाद होते हैं वह ठेकुआ होते हैं। जो हमारे जो प्रसाद होते हैं मेन प्रसाद वह ठेकुआ होते हैं, और वह आम की लकड़ी से ही पकाए जाते हैं जो यहाँ भगवान को चढ़ते हैं। और वापस दूसरे दिन जो है सो आ करके सुबह करीब 3-4 बजे पानी में आ जाएंगे, और वो वापस हम लोग सूर्य भगवान को उगने का इंतजार करते हैं, चाहे वो 2 घंटा में उगे, सुबह 6 बजे उगे, 7 बजे उगे, 8 बजे तक भी अगर उगे, कई बार ऐसी भी घटना घटी है जो कि उनके इंतजार में काफ़ी देर तक पानी में रहे, तब जाकर सर्दी में भी, उसके बाद भी जो है सो उनके सूर्य के उगने का, जब तक सूर्य नहीं उगते हैं और उन्हें दूध से अर्घ दे करके, उसके बाद जो है सो गाय के दूध से अर्घ दे करके, उसके बाद हम लोग यहाँ से घर जाते हैं। और जो माँ भाई बहन जो भी होते हैं जो इस पर्व को करते हैं वो घर जा करके फिर घर में पूजा होती है छोटा, वो पूजा उजा करके उसके बाद जो है सो जल से व्रत खोलते हैं या तो दूध से व्रत खोलते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ, कृष्ण के जो बेटे का नाम था शाम्ब, वो शाम्ब को जब कुष्ठ रोग हो गया था तो उन्होंने ये पूजन किया था। पूजन किया था बिल्कुल, है ना। हाँ, तो मुझे याद आया तो मैंने कहा एक बार, जब उनको कुष्ठ रोग हो गए थे तो जब उन्होंने ये छठ की पूजा करी तो वह कुष्ठ जो है सो मिट गए। षष्ठी पूजन, छठ मैया के जो पूजन चल रहा है उसके बारे में छोटी सी और कहानी आपको बताता हूँ कि हम तो मेवाड़ी हैं, आप बिहारी हैं, ये सारी चीज़ों को अच्छे से जानते हैं। तो मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि सबसे जो हमने बताया था कि भगवान श्री राम ने इस पूजन को किया, फिर उन्होंने उनकी जो प्रजा थी उन्होंने इस कारवा इस पूजन को पूजन की पद्धति को आगे बढ़ाया, और षष्ठी पूजन यानी कि सूर्य का पूजन जो है वो चलता रहा। फिर एक और एक कहानी आती है कि द्रौपदी ने भी इस व्रत को रखा था भगवान कृष्ण के कहने पर। भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर आपको कोई परेशानी ना हो कभी जीवन में, इसलिए आप ये षष्ठी पूजन करें, छठ मैया का पूजन करें, ताकि आप जब भी कभी जीवन में कभी मुसीबत में हो तो स्वयं मैं हाजिर हो जाऊं। सही है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मैं अभी ये जानना चाहता हूं सर कि पूजन सामग्री में क्या क्या उपयोग होता है और उसका क्या क्या महत्व है, आप हमें ये डिटेल में बताएं। अब आप देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं पूजन सामग्री में कि नारियल है, अनार है, सेब है, आपके ठेकुआ जो है तो है, ठेकुआ थोड़ा सा आप बताइएगा, इसमें से ठेकुआ बना करके जो लाए हैं थोड़ा ठेकुआ बताइएगा। हाँ कोई नहीं, ये
आप ये देखिए, ये ठेकुआ है ये, और ये पूड़ी है, ठीक है ना। और किसका बना हुआ? ये हाँ, ये नहीं, ये चावल के आटा और गुड़ और ये शक्कर डाल करके इसमें बहुत तरह के, जैसे आपके काजू वगैरह भी डाल सकते हैं इसमें, फ्रूट डाल करके इसे बना सकते हैं आप। तो सबसे मेन जो महत्व है वो इन चीज ठेकुए की है। यह ठेकुआ जो है सो इन सभी सामग्री के अंदर सबसे मेन महत्व इन ठेकुए का है। हाँ, और दूसरा नारियल है, ठीक है, चना है। अभी ये जो पूजन चल रहा है ये क्या है? ये किस, ये जो पूजन है ये क्या बने हुए? ये एक सत्या बोलते हैं इनको। क्या? सत्या बोलते हैं। अच्छा। हाँ, जो कि मिट्टी से इनको बना करके एक इन्हें भगवान मान करके और एक पूजन हम लोग करते हैं। मतलब ये सूर्य भगवान के, सूर्य भगवान के प्रतीक के रूप में इनको अपन जो है सो एक स्थापना कर देते हैं कि इनको एक, जैसे अपन नहीं होते हिंदू धर्म में मानते हैं कि किसी भी चीज को आप इन्हें मान लीजिए कि यह एक अपना भगवान है। हमारे मेवाड़ी में कहते हैं थरपना, थरपना स्थापना, स्थापना। तो हम लोग जो है सो इनकी स्थापना करते हैं पहले, और उसके बाद इनके सामने ये आप देख रहे हैं कि ये सब सारी सामग्री, मूली है आपके, ये गन्ने हैं, फ्रूट सारी है इसके अंदर। और जब तक सूर्य अस्त नहीं होंगे तब तक हमारी जो भी ये पूजन चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा ये पूजन। हाँ, अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, उससे पहले हम दर्शकों को फिर वापस एक छोटी सी स्टोरी की तरफ लेके चलते हैं। षष्ठी पूजन में आप देख रहे होंगे कि षष्ठी पूजन कभी छठ मैया की तरफ जा रहा है, कभी सूर्य पूजन की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहला ये आता है कि सूर्य पूजन और षष्ठी पूजन, यानी कि छठ मैया और सूर्य भगवान के बीच में क्या संबंध है? संबंध में बताता हूँ, संबंध दोनों भाई बहन का रिश्ता है दोनों में। तो भाई की जब पूजन होती है, ये एक देवत्व का अंश है और पृथ्वी में, इसलिए सूर्य की भी उपासना उसी तरह से की जाती है। सूर्य भी उतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है जितना जल है। तो ये है, आपसे मैं इस तरह जानना चाहता हूँ कि सूर्य पूजन और छठ मैया का पूजन, वो आप उसको किस तरह से महत्व? भाई बहन दोनों, भाई बहन समझ लीजिए उस हिसाब से पूजा होता है, उनका भी होता है तो छठ मैया का भी होता है, बहन भाई का रूप मान लीजिए। पहले जल की होती है फिर सूर्य की होती है ना? हाँ, यही सही है। तो आप हमें ये जानकारी बताएं कि जो यहाँ लोकगीत जो आपके जो प्रचलित है छठ मैया के, क्योंकि हमारी जो स्टोरी है, जो बनाने का जो मकसद है, हम जिस वजह से खींचे चले आए, तो हम छठ मैया के कुछ लोकगीत सुनना चाहते हैं और हमारे दर्शकों को भी बताना चाहते हैं, वो बड़े खुश होंगे। तो हम हमें आप ले चले। तो आप ये देख सकते हैं इस तरफ की पूजन चल रहा है और ये सारी जो पूजन सामग्री यहाँ है। सर, आपका क्या नाम बताया आपने? ठाकुर सिंह जी, बिहार से हैं आप? बिल्कुल, बिहार से। बिहार से किस जगह से? हम भागलपुर से, बिहार से हैं। भागलपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर है। हाँ, जगरिया गांव पड़ता है, साकुंड जगरिया। हाँ, करीब हम तो 20 साल हो गए उदयपुर में, और बहुत कोशिश करते हैं कि बिहार में जा करके यह फेस्टिवल मनाएं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। घर मकान यहाँ बना लिए हैं, फैमिली सब यहाँ रहते हैं। आज तो हम आप कह सकते हैं कि आप तो मेवाड़ी है, मेवाड़ी। हाँ, बिल्कुल, हम तो अब आप लोगों के स्टेट में और शहर में आकर के अब यहीं के बन गए हैं, लेकिन आज भी जो है सो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये दृश्य देखते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, गर्व। अच्छा, बचपन की याद आ जाती होगी? बहुत याद आती है। अभी बचपन में क्या ढेकुआ खाते थे? बिल्कुल बिल्कुल, जब हम लोग अभी भी, हमने वीडियो कॉलिंग किए तो मम्मी पापा से बात की, मेरी मम्मी व्रत कर रखती है, लेकिन माँ छठ की कृपा है कि ये जो आप देख रहे हैं इन सब की सेवा करने का हमें मौका देता है और एक प्रेरणा देती है वो माँ छठ कि बेटा तुम वहाँ नहीं जाते तो कोई बात नहीं, यहीं आप जो है सो एक सेवक के रूप में जो है सो या करो। तो हमें, हम लोगों को बहुत गर्व होता है और बहुत खुशी मिलती है कि हम लोगों के लिए जो है सो एक अजनबी शहर में आकर के और इतना सम्मान मिला,
और हमें बहुत गर्व होता है कि उदयपुर के जो लोग हैं ना वो बाकी बहुत हम लोगों को दिल में रखते हैं। एक बच्चे को जैसे आप जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें अपने गोदी में खिलाते हैं, गोदी में रखते हैं और उन्हें प्यार करते हैं, उसी तरह से मैं उदयपुर लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं हम लोगों को बिल्कुल बच्चे के तरह रखते हैं, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, कभी भी ये मतलब एक द्वेष नज़र से कभी भी नहीं देखे हैं कि ये बिहार से आए हुए हैं, ये बिहारी है, इस तरह का आज तक किसी के मुँह से नहीं सुने हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ हम लोगों का इज्जत। भैया हमारे यहाँ तो हम बता देते हैं कि हमारे जितने मकान का काम होता है ना तो हम बिहारी से ही करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये है, हम तो हमारे खून में ही नहीं है कि हम मेवाड़ियों के, कि हम आपको, इसीलिए हमारा जो चैनल ये एपिसोड हमने शुरू किया तो हमने बताया कि हमारे जो मेवाड़ के जो मेहमान हैं आज उनके संस्कृति की हम बात करेंगे। अच्छा ठाकुर साहब, हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि अभी मैं ये इस तरफ देख रहा हूँ कि एक भाई साहब हैं वो पानी के अंदर गए हुए हैं और सर पे ओढ़नी ढक रखी है उन्होंने, तो मेरे समझ में ये नहीं आता है कि भाई वो इस व्रत को पुरुष भी रह सकते हैं, और पुरुष को अगर वो पुरुष रहते हैं तो उनकी क्या, उसको क्या रखना पड़ता है विशेष? ये जो व्रत है तो ये व्रत जो है सो पुरुष भी रखते हैं, और ये आप जो देख रहे हैं ना एक आंचल होती धोती जिसको बोलते हैं, जो जेंट्स होते हैं ना जो धोती पहनते हैं तो उन धोती से क्या होता है कि अपना बदन को ढक करके रखते हैं जो व्रत करते हैं, कोई भी व्रत हो चाहे किसी भी भगवान की। अच्छा, ओढ़ने से ढकते क्यों? ये देखिए, कोई भी जेंट्स हो या लेडीज हो तो जो अपन व्रत करते हैं ना तो व्रत की जो आस्था रखते हैं तो वस्त्र होना अनिवार्य होता है, और भले पानी में नहा रहे पर वस्त्र शरीर पे होना चाहिए। खास तौर पर आप देखेंगे धोती ही है उनके जो बदन पे है वो धोती है, और वो व्हाइट नहीं होते हैं, वो हल्दी से पीले कलर से जो है सो। अच्छा, ये कलर भी फिक्स है? हाँ फिक्स है, ये हल्दी कलर ही होंगे, इसके अलावा दूसरा कलर व्हाइट भी नहीं होती है। हाँ, एक व्हाइट जो होते हैं उसे हम लोग अशुभ मानते हैं। हाँ, तो व्हाइट कलर का भी जो व्रत रखते हैं वो नहीं पहनते हैं, वो पीले उन धोती को जो है सो कलर करके पीले करके और फिर जो है सो रखते हैं। इस व्रत में आप देखेंगे कि हल्दी भी चढ़ते हैं, हल्दी है, अदरक है, पीले कलर का उपयोग ज्यादा होता है, जैसे सिर पे तिलक करते हैं वो भी पीले होते हैं, तो पीले कलर जो है सो इनका जो इस व्रत का जो पीला कलर है वो मान करके चलिए आप, तो एक हिंदू धर्म का भी इसे मान करके समृद्धि का, सुख समृद्धि का एक प्रतीक है पीले धर्म जो है, ये पीले कलर जो है सो। तो अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ सूर्य पूजन चल रहा है, और अस्तंचल जो कामी सूर्य हैं उनकी सूर्य के लौटने का सिलसिला जारी है और पूजन का दौर शुरू हो गया है। अब पूजन सूर्य, हाँ, अस्तंचल गामी सूर्य के साथ में छठ मैया के गीत हैं वो गूंजने शुरू हो गए हैं पूरे इस माहौल में, तो सर अब क्या होगा यहाँ? देखिए, अब छठ के जैसे ये अर्घ दे रहे हैं, हमारी माताएं उतर गए पानी में, ठीक है, तो अब इन्हें अर्घ देंगे पानी से। अर्घ देने के बाद क्या होगा कि वापस इन्हें सामान को टोकरी में जमा करके और इन्हें लेकर के वापस जो है सो घर जाएंगे। हाँ, और घर जा करके वापस इन्हें सजा करके ही रखेंगे, और वापस सुबह 3 बजे, सुबह 3:30-4 बजे तक ये घाट पे आ जाएंगे। और कुछ हमारी माताएं हैं और जो भाई हैं जो इस व्रत को करते हैं, जो बहनें हैं, वह आप देखे होंगे कि वो लाइन से जब आ रहे थे वो एक मतलब दंडवत करते हुए आते हैं, लोटन यात्रा। सर ये हमारे अध्यक्ष साहब हैं। क्या नाम सर आपका? सर मैं अशेश्वर साहनी, छठ पूजा संयुक्त समारोह समिति की मैं अध्यक्ष हूँ, और इस साल तो कोरोना कोविड के कारण अपना कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते थे, क्योंकि प्रशासन ने इस साल का परमिशन दिया नहीं, परमिशन नहीं देने की वजह से थोड़ा सा टीकापन हो रहा है, लेकिन फिर भी जो छठी माता का जो कृपा है वो अच्छा से ही हो रहा है। तो देखा हमने कि ये एपिसोड हमने बताया छठ पूजन को लेकर। आप हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और खूब सारा प्यार दें, शेयर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।